आओ जैसे गिराऊंगा ना किसी को शिकार बनाऊंगा ना पानी में डुबाऊंगा, क्योंकि इस बार मेरे दिमाग में डराने के अलग अलग तरीके बिजली की तरह दौड़ रहे हैं। आपने खतरों के खिलाड़ी तो बहुत देखे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खतरों के उस्ताद यानी कि रोहित शेट्टी। रोहित सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया। थैंक यू वेरी मच। खतरों के खिलाड़ी सीजन होस्ट कर रहे हैं, सेकेंड सीजन है, किस तरह की फीलिंग्स है, कितना खतरा हो रहा है इस बार? खतरा कहना ठीक नहीं रहेगा, बट ये कहूँगा कि एक्शन का जो स्केल है बहुत बड़ा है और बेहतर है जो पिछला सीजन था। एंड स्टंट्स बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे हैं। एक स्टंट शो है बट ह्यूमर बहुत है इस शो में। सो डिफरेंट थोड़ा क्लीशे वर्ड है, ये कहूँगा कि पिछले सीजन से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि हमने अभी कुछ प्रोमो देखा, प्रोमो में काफ़ी ख़तरनाक स्टंट्स नज़र आ रहे थे और कुछ लोग आपसे डर रहे थे और कुछ लोगों ने आपको भी डराया, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था वो? ये डर रहे थे, क्यों डर रहे थे ये समझ में नहीं आया। मैं उनको उनको उनके सपोर्ट के लिए था वहाँ पर, बट जो मुझे डर था कि जो स्टंट्स डिज़ाइन किए हैं वो ये लोग कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल कुछ है, जैसे हमने कंटेस्टेंट से बात की, उन्होंने कहा कि रोहित सर के होने की वजह से बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत स्पिरिट मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आती थी, तो किस तरह से उन्हें मोटिवेट करना पड़ता था, मतलब कितना डरते थे, कितना मुश्किल होता था उन्हें मोटिवेट करना? नहीं, मोटिवेट करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे स्टंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे एक्टर्स हैं, दे आर नॉट स्टंट आर्टिस्ट, सो ऑब्वियसली सारी की सारी चीज़ें पहली बार कर रहे थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेक्निक बताएं, और डिफ़िकल्ट तो है स्टंट, बट एट द सेम टाइम इनक्रेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना स्टंट ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, या करते वक्त अगर डर गए और कोई हादसा हो गया तो फिर हम सब मुश्किल में आ जाएंगे। सो इसीलिए, और ये भी था दिमाग में कि स्टंट्स अगर कंप्लीट नहीं हुए तो हम फिर ऑडियंस को क्या दिखाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि मतलब स्टंट्स अगर कंप्लीट नहीं हुए तो कुछ ऐसे बीच में कुछ खबर भी आई थी कि कुछ स्टंट्स में डिले हुआ था और उस वजह से फिर बिग बॉस को एक्सटेंड करना पड़ा था, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं? खतरों के खिलाड़ी की वजह से बिग बॉस का कोई लेना देना नहीं है कि वो एक्सटेंड खतरों के खिलाड़ी की वजह से नहीं हुआ, बिकॉज वी आर नॉट डेली सोप, हम सैटरडे और संडे ही आएंगे सिर्फ, सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद बिग बॉस एक्सटेंशन। अच्छा, जैसे कि आपकी स्टंट्स फिल्मों में बहुत गाड़ियाँ उड़ती हैं और अलग अलग तरह के स्टंट्स देखने को मिलते हैं, तो फिल्मों से रिलेटेड कोई स्टंट इसके अंदर देखने को मिले? बहुत सारे ऐसे स्टंट्स हैं जो आपने फिल्म्स में देखे होंगे जिन्हें हमने रिक्रिएट किया है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर हम CG का सपोर्ट लेते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स का सपोर्ट लेते हैं, वहाँ पर कार स्टंट्स जो है वो हमारे स्टंट ड्राइवर्स करते हैं। यहाँ पर फ़र्क ये था कि जो भी हो रहा था वो रियल था, और जो स्टंट्स हो रहे थे, चाहे वो बिल्डिंग से कूदना हो या वो चॉपर से कूदना हो या वो कार के स्टंट्स हो, वो एक्चुअल आर्टिस्ट कर रहे थे, और वो भी ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने पहले इस तरह का कुछ नहीं किया। जाने से पहले आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और फिल्म्स के काफ़ी कुछ रूमर्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कास्टिंग हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे? रूमर सही है, मैं फिल्म बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक डायरेक्टर हूँ। बाकी इतना ही कहूँगा कि ये रीमेक नहीं है। हाँ, शाहरुख खान है फिल्म में, शाहरुख खान प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के, एंड बाकी जो फिल्म की कास्ट है और क्या बना रहे हैं वो हम आपको अगले महीने बता देंगे।